आज हम बातचीत करेंगे किसी पार्टिकल के एक्सीलरेशन पर। एक्सीलरेशन किसी पार्टिकल की वेलोसिटी के चेंज को बताता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितने टाइम में कितनी चेंज हो गई, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो गई, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज बताता है। अगर मान के चलें कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन जीरो है। और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है, तो एक्सीलरेशन निगेटिव होगा और इसकी डायरेक्शन मोशन की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा और मोशन का ऑब्जेक्शन करेगा।